हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कच्चे आम की जेली बनाएंगे। इस जेली को आप फ्रिज में साल भर तक स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। तो फिर चलिए कच्चे आम की खट्टी मीठी जेली बनाना स्टार्ट करते हैं। ये हमने 3 पाव कच्चे आम ले लिए हैं। कोशिश करें कि इस जेली को बनाने के लिए एकदम ताजे और हरे आम ही लें। मैंने आम को अच्छे से धोकर पोंछ लिया है। अब हम इन आमों को छील लेंगे। देखिए सारे आम छील गए हैं, हमें इस तरीके से छीलना है। हमने छीले हुए आमों को एक बार फिर से धोकर रख लिया है। अब हम इन आमों को ग्रेट कर लेते हैं। मैं ग्रेटर में जो साइज़ जिसका छोटा है उस तरह ग्रेट कर रही हूँ। आप चाहें तो बड़े साइज़ से भी ग्रेट कर सकते हैं। देखिए हम ग्रेट करके इसके इस तरह से लच्छे बनाएंगे। हम सारे आम को इसी तरह ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। देखिए मैंने सारे आम को अच्छे से ग्रेट कर लिया है। इधर आम की गुठली बच गई है, हमको ऐसे ही ग्रेट करना है। इन गुठलियों को हम फेंक देंगे। मैंने कढ़ाई में आम के लच्छों को ले लिया है। जितना आम लेंगे हमें चीनी भी उतनी ही लेनी होगी। मैंने 3 पाव आम लिया था तो मैं 3 पाव चीनी यूज़ करूँगी। आप चाहें तो चीनी इससे थोड़ा सा कम कर सकते हैं। अब हम आम और चीनी को अच्छे से मिक्स करेंगे। ध्यान रहे मैंने अभी गैस ऑन नहीं किया है। इसको अच्छे से मिक्स करके हम आधे घंटे के लिए साइड में रख देते हैं। आधा घंटा हो गया है। देखिए आम और शक्कर अच्छे से मिक्स हो गए हैं और आम ने पानी भी छोड़ दिया है। अब हम गैस को ऑन कर लेते हैं और इसको धीरे धीरे चम्मच चलाते हुए पकाएंगे। हम इसे मीडियम फ्लेम में पकाएंगे और लगातार चम्मच चलाते रहेंगे ताकि शक्कर तली में ना लगे। इस जेली को बनाने के लिए हो सके तो मोटे तले वाले बर्तन का ही उपयोग करें। मैं आम की जेली या मुरब्बा बनाने का प्रोसेस पूरा दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को बनाने में आसानी हो। बीच में हम इसमें 1 पिंच नमक डालेंगे। ये देखिए चीनी अब धीरे धीरे सूखने लग गई है। इस स्टेज में हम 6-7 लौंग और 5-6 ये कुटी हुई इलायची ऐड करेंगे। इससे मुरब्बे का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसे लो फ्लेम पे अच्छे से चीनी के सूखने तक पकाएंगे। पकाते समय ध्यान रखना है कि ये तली में नहीं लगना चाहिए, नहीं तो पूरे जेली का टेस्ट खराब हो जाएगा। पकने के बाद हम लौंग को बाहर निकाल लेंगे। जेली लगभग तैयार होने वाली है। जेली एक जगह इकट्ठा होने लगी है। इसे हम चेक करते हैं। ऐसे हटा के देखने पे नीचे में शुगर सिरप नहीं आ रहा है। हमारी जेली तैयार है। इसे पूरी तरह ठंडा होने के बाद ही अच्छे से साफ और एयर टाइट जार में डालकर रखेंगे। आम की ये खट्टी मीठी जेली बच्चों को बहुत पसंद आती है। इस जेली में हमने कोई भी प्रिजर्वेटिव या केमिकल का यूज़ नहीं किया है। इसे आप भी एक बार अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। ओके, फिर मिलते हैं।